हेलो प्यारे फ्यूचर पैरामेडिक कोर्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि 2019 जो 2019-20 बैच है पैरामेडिकल के लिए, आरपीएमसी के लिए, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के स्टूडेंट्स के लिए, मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन सी क्लास। और ये क्लासेस जो मेरी हो रही हैं वो ना केवल डीएमएलटी के लिए, ना केवल डीआरटी के लिए है, ना केवल डीओप्टो के लिए है, ना केवल डिप्लोमा एनेस्थेसिया के लिए, ना केवल डीओप्टो के लिए, बल्कि सारे के सारे कोर्सेज के लिए है। आज का जो टॉपिक है वो जो टॉपिक होगा वो लगभग सारे कोर्सेज को कवर करता है। सभी कोर्सेज में उसको पूछा जाता है। हमारे जो सारे टीचर्स हैं, सारे जो मास्टर टीचर्स हैं, आप लोगों के लिए इस तरह से प्लानिंग किया हुआ है कि आप बहुत अच्छे से उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेरे को पता है कि यहाँ पर जो भी लोग वीडियो देख रहे होंगे या तो 2019 वाले एस्पिरेंट होंगे, या फिर 2018 वाले होंगे, या फिर 2017 वाले होंगे, क्योंकि 2016 वाले तो लगभग सारे पास आउट हो ही चुके होंगे। बच्चों, प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि 3 मई से डीएमएलटी और डीआरटी के ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो जाएंगे, तो कल से डीएमएलटी और डीआरटी के ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहे हैं। ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है लाइव क्लासेज के साथ में। इसी के साथ में ऑफलाइन भी कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा डीएमएलटी और डीआरटी के अलावा बचे हुए जितने भी आपके स्ट्रीम के कोर्सेज हैं, चाहे वो डीओटी से रिलेटेड हो, चाहे डीओप्टो से रिलेटेड हो, चाहे डिप्लोमा इसी से रिलेटेड हो, उन सभी के डेमो क्लासेज अपलोड हो भी रहे हैं और आगे भी होंगे। 8 मई से उनके कोर्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डीएमएलटी और डीआरटी के लिए जो क्लासेज स्टार्ट होंगी वो कल से हो जाएंगी। 3 मई से कल वो क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगी, और ऑफलाइन जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो ऑफलाइन आ जाएंगे, कल से ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इसी के साथ साथ डीओटी, डीओप्टो और डिप्लोमा इन ईसीजी, डिप्लोमा इन ईसीजी के अलावा जो डायलिसिस वाला है डीडीटी, बच्चों डीडीटी के कुछ अपलोड होने हो जाएंगे कल से या आज से, आप लोगों के कुछ डेमो क्लासेस अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा डीबीबीटी, इसके अलावा आपका डिप्लोमा इन एंडोस्कोपी, और इसके अलावा आपका डिप्लोमा इन इमरजेंसी ट्रोमा, इन सभी के जो कोर्स बैचेस हैं वो आपके स्टार्ट होंगे 8 मई से। और यहाँ पर डीबीबीटी कोर्स भी मैंने इंक्लूड कर दिया है, डीओटी ऑपरेशन थिएटर, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मोलॉजी, डिप्लोमा इन ईसीजी, डिप्लोमा इन डायलिसिस, डिप्लोमा इन ब्लड बैंकिंग, डिप्लोमा इन एंडोस्कोपी और डिप्लोमा इन इमरजेंसी ट्रोमा। इसके अलावा कुछ विद्यार्थी हैं जो डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक के भी हैं, उनके लिए मैं कुछ यूजफुल वीडियोज डालूंगा, लेकिन अभी इसके लिए बैच बनना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग अभी 8 मई को रन नहीं कर पाएंगे। लेकिन 8 मई को डीओटीटी बोलते हैं जो ऑपरेशन थिएटर वाला है, डीओप्टो, डिप्लोमा ईसीजी, डीडीटी डायलिसिस, ब्लड बैंक, एंडोस्कोपी एंड इमरजेंसी ट्रोमा, इन सब के बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे 8 मई से। इनकी कुछ, इन सभी कोर्सेज की कुछ डेमो क्लासेस यूट्यूब पर हेलिक्स पैरामेडिक क्लासेस पर अपलोड की जा चुकी हैं, बाकी के डेमो भी अपलोड हो जाएंगे। डायलिसिस के लिए स्पेशल बैच इस बार हमने रन करने का सोचा है, और बहुत ही स्पेशल फैकल्टीज इस पर यहाँ पर ध्यान देने वाली हैं पूरी तरह से इस कोर्स के लिए। इन फ्यूचर ये जो कोर्स होगा बहुत ज़बरदस्त कोर्स होने वाला है अपने पैरामेडिकल का, और इसमें बहुत सारा फ्यूचर भी है, और हम इसमें बहुत अच्छी आपको फैसिलिटी के साथ में पढ़ाएंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस भी डीडीटी के लिए होंगे। डीओटी के बैच स्टार्ट 101% हो जाएंगे 8 मई से, डीओप्टो के स्टार्ट 101% हो जाएंगे। डिप्लोमा ईसीजी के वे स्टूडेंट जो ऑफलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं, ऑफलाइन का एडमिशन 3 मई से है। डिप्लोमा ईसीजी के ऑफलाइन के एडमिशन 3 मई से हैं और ऑनलाइन एडमिशन 8 मई से हैं। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि जो बच्चा ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता है वो 3 मई से ज्वाइन कर सकता है, मतलब कल से ज्वाइन कर सकता है, और ऑनलाइन जो बैच होगा वो 8 मई से स्टार्ट हो जाएगा। डिप्लोमा डायलिसिस का ऑनलाइन जो बैच होगा वो 8 मई से स्टार्ट होगा, और ऑफलाइन बैच भी 8 मई को ही स्टार्ट होगा। ब्लड बैंकिंग का जो ऑनलाइन बैच है वो 8 मई को स्टार्ट होगा। डिप्लोमा एंडोस्कोपी का ऑफलाइन बैच
सबसे पहले ऑफलाइन बैच स्टार्ट किया जाएगा 8 मई को और डिमांडिंग के अकॉर्डिंग ये ऑनलाइन भी प्रेफर होगा सभी बच्चों को। उसके बाद आती है डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रोमा, इसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस प्रोवाइड किए जाएंगे 8 मई से। डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक के लिए अभी डेट अनाउंस नहीं की गई है। डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक के लिए अभी क्लासेस का क्या शेड्यूल रहेगा क्या नहीं रहेगा इसके बारे में हम आपको बाद में बता देंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ में। आइए बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे फ्यूचर पैरा मेडिकोज, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोविड का कहर हर जगह है और इतना भयानक रूप ये ले चुका है कि हमें घर बैठे ही पढ़ना है और ज़बरदस्त तरीके से भी पढ़ना है। कुछ लोग मेरे प्यारे बच्चे कह रहे थे, सर किस तरह से हम लोग सर्वाइव करेंगे, इस तरह के रणनीतियाँ क्या रहेंगी, क्या हमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ है कि सरकार हमारा कुछ फ़ायदा करेगी। मैं आप लोगों को फिर से कह रहा हूँ कि 2019-20 के जो एस्पिरेंट्स हैं, जिनके एग्ज़ाम्स हैं आने वाले मिड जून के बाद में या मिड जून तक कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं, उन लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ कि बेहतरीन प्लेटफॉर्म आ चुका है, ऑनलाइन बैठ के घर पढ़ सकते हो। एक एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी और हर एक क्लास के बाद में डाउट सेशन होगा, मतलब कंप्लीट 12 से 15 घंटे फैकल्टीज जो होंगी वो हेलिक्स में रहेंगी, यहीं पर उनका खाना पीना होगा और यहीं से वो आप लोगों के लिए पूरी तरह प्रिपरेशन यहां से करवाएंगी। पूरा अल्टीमेट जबरदस्त और शानदार प्लेटफॉर्म मिला है आप लोगों को ऑनलाइन के लिए, इसकी मैं गारंटी देता हूँ कि पैरा मेडिकल हिस्ट्री में इससे ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म ना तो आपको कभी मिला है ना कभी मिलेगा और मुझे नहीं लगता कि हम इससे बेहतरीन कभी कर पाएंगे, क्योंकि आज आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आज हमें आवश्यकता ही फील हुई है तो आज बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म आप लोग सामने हैं। इसके अलावा कुछ क्रोमा बोर्ड भी वगैरह भी अरेंज हो रहे हैं, हालांकि हम डिलीवर नहीं करवा पा रहे हैं, उनको डिलीवरी में दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन डिलीवरी नहीं हो पा रही, तो क्रोमा बोर्ड वगैरह पे भी आप लोग क्लासेस होंगी। बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म होगा और गारंटी है रिजल्ट तो हेलिक्स देगा और इस बार भी देकर के मानेंगे। हमने हर बार खुद को प्रूव किया है और हर बार हम हमारे रिजल्ट्स को ही तोड़ते हैं, हर बार हम हमारे रिकॉर्ड्स को ही तोड़ते हैं। इस बार फिर से जिम्मेदारी लेते हैं, आइए रिकॉर्ड्स तोड़ते हैं और आइए रिजल्ट बनाते हैं। हेलिक्स है तो मुमकिन है और रिजल्ट का आगाज फिर से हेलिक्स के साथ। आइए बच्चों, आज का जो टॉपिक है और ज़बरदस्त टॉपिक है और जो हर बार या तो आपके डीएमएलटी में हीमेटोलॉजी में पूछा जाता है या फिर जो अन्य स्ट्रीम के जो कोर्सेज हैं उनके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पूछा जाता है, तो ये जो टॉपिक मैं आज मैं पढ़ा रहा हूँ वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से भी कोरिलेट करता है और दूसरा हीमेटोलॉजी से भी कोरिलेट करता है। कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर जो एनीमिया टॉपिक है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि एनीमिया टॉपिक हमें पढ़ाया जाता है हीमेटोलॉजी में लेकिन पूछा कहाँ जाता है कई बार एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। ऐसे ही कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो हीमेटोलॉजी के होते हैं जो कई बार एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पूछ ले जाते हैं या फिर कुछ टॉपिक हीमेटोलॉजी में पूछ ले। उनमें से एक सबसे बेहतरीन टॉपिक की बात आज मैं करने वाला हूँ, सबसे बेहतरीन टॉपिक की बात मैं आज करने वाला हूँ और वो है आपका टॉपिक और ज़बरदस्त टॉपिक, ध्यान से सुनेंगे कान खोल के सुनेंगे, ये टॉपिक तो इस बार एग्जाम में आएगा ही। इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना इस बार जो है 70 से 80% है और कोई नहीं छोड़ेगा क्योंकि क्लास है तो रिजल्ट है, रिजल्ट है तो हेलिक्स है, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक है ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर, ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर करके टॉपिक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है और इसके लिए मैं कह सकता हूं कि 70 से 80% इस बार चांसेस रहेंगे। कई बार ये टॉपिक ब्लड क्लोटिंग फैक्टर के नाम से पूछा जाता है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आप लोगों को मैं बता दूं कि ये कोएगुलेशन होता है, ये होता है थक्का और क्लोटिंग का मतलब ये होता है थक्का, तो क्लोटिंग और कोएगुलेशन दोनों ही नाम से जाना जाता है, ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर या ब्लड क्लोटिंग फैक्टर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि ब्लड कोएगुलेशन मेकानिज्म, इसके अलावा जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है वो आता है ब्लड कोएगुलेशन मेकानिज्म, किस तरीके से आपका ब्लड क्लोट होगा उसके मेकानिज्म भी पूछ सकता है। आप लोगों को बात समझ में आ गई है, जो बच्चे 2019-20 वाले जो बच्चे हैं इंग्लिश से डरते हैं, बेटा मेरे साथ जुड़िए, आपको इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इस तरह से पढ़ाऊंगा, अगर आपको ABCD आती है, ABCD के 26 अक्षर आते हैं तो 2019 वाले बच्चे को डरने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी है कि आप इंग्लिश में बिना डरे और बिना किसी हिचकिचाहट के सेंटेंस बनाएंगे और रिजल्ट भी लेकर के जाएंगे। चलिए तो अपने टॉपिक्स हैं आज ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर और ब्लड कोएगुलेशन मेकानिज्म।
चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज इसी के साथ में आपका बेहतरीन टॉपिक। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर दो बालक हैं, ये चिंकू है और ये मिंकू है। ये चिंकू है, ये बैटिंग कर रहा है और ये इसके हाथ में बैट है, ठीक है। और ये मिंकू है, ये यहाँ से क्या कर रहा है बेटा, बॉल डाल रहा है, बॉल फेंक रहा है, ठीक है। चिंकू मिंकू की कहानी है, ये बॉल फेंक रहा है और ये आपने देखा कि इसने जैसे ही बॉल फेंकी, ये आपका पिच है 22 गज जो होता है, अभी तो IPL भी चल रहा है, आप लोगों को पता भी होगा, है ना। तो इसने बॉल फेंकी, बॉल ने टिप्पा खाया और जा पड़ा इसके सिर पे। कहाँ पे? सिर पे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है चिंकू पैरामेडिकल वाले और इसका नाम है पिंकू पैरामेडिकल वाले। दोनों पैरामेडिकल के छात्र हैं क्योंकि छुट्टियां हैं तो घर पर क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो पिंकू ने डाली बॉल और चिंकू के गिर पे जाके सिर पे लग पड़ी है और पिंकू के सिर पे चोट आ चुकी है। यहाँ पर क्या हो गई है? चोट। तो भैया ऐसा नहीं बोले सर सिर पे चोट होगी, चोट कहीं पर भी हो सकती है, मतलब घाव हो चुका है, चलो मान लो थोड़ी देर के लिए। और घाव कैसा हो गया देखिए, ब्लीडिंग होना चालू हो गई है, यहाँ से आपका स्किन कट गया, या फिर हो सकता है कोई ब्लेड से कट गया हो, किसी भी तरीके से क्या हो गया है कि वेसल कट गई है, यहाँ पर क्या हो गया है, कट लग चुका है, या यहाँ पर आपका टिश्यू डैमेज हो चुका है। उस कंडीशन में क्या होगा, आपका ब्लड क्लोटिंग होना जरूरी है, ब्लड का कोएगुलेशन होना जरूरी है, हाँ या ना प्यारे बच्चों। तो रक्त का थक्का बनना बहुत जरूरी है। तो रक्त का थक्का कैसे बनेगा, आइए इसी के बारे में बात करेंगे। इसके लिए हमारी बॉडी में ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होते हैं जो कि थक्का निर्माण का कार्य करते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, साथ के साथ बोलते भी जाएंगे, क्लास वाली फील तुम्हारे साथ भी होनी चाहिए और रिजल्ट तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो है, वो क्लोटिंग फैक्टर जितने भी हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है वो क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, उसके साथ साथ क्या आएंगी, प्लेटलेट्स आएंगी, ठीक है। प्लेटलेट और ब्लड क्लोटिंग फैक्टर यहाँ पर आएंगे, टिश्यू फैक्टर आएंगे और इसको क्या करेंगे, यहाँ पर रक्त का थक्का बना देंगे और क्या हो जाएगा, रक्त जो होगा वो जम जाएगा, ब्लड जम जाएगा, ब्लड कोएगुलेट हो जाएगा। मतलब इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है, आपका ब्लड क्लोटिंग फैक्टर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और ब्लड क्लोटिंग फैक्टर क्या कर रहा है, रक्त का थक्का बना रहा है। आगे बात में, अभी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर कहाँ बनते हैं, ये लीवर में भी बनते हैं, ये ब्लड में बनते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें कहाँ से बनते हैं क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है बताइए, डिस्क्राइब अबाउट ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। तो जितने क्लोटिंग फैक्टर उनके नाम याद रहना बहुत ज़रूरी है और उसके बारे में पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे की ओर चलते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, तो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर कितने होते हैं इसके बारे में बात करेंगे, उनकी नेमिंग याद करनी है, उनको ट्रिक से याद करना है, क्योंकि 13 के 13 क्लोटिंग फैक्टर आप लोगों को याद नहीं होते सर, समस्याएं रहती हैं। क्या रहती हैं बेटा, समस्याएं रहती है तो समस्याओं का समाधान भी होगा। तो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आइए यहाँ पर लिख देंगे अपन फैक्टर वन, कितने फैक्टर होते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता उनसे भी बात आगे करेंगे। मैं थोड़ा सा ऊपर की ओर लिख देता हूँ, आप लोगों को दिख रहा है हाँ या ना, कमेंट कर दीजिए। फैक्टर टू, फैक्टर थ्री, फैक्टर फोर, फैक्टर फाइव, फैक्टर सिक्स, फैक्टर सेवन, फैक्टर एट, फैक्टर नाइन, फैक्टर टेन, फैक्टर इलेवन, फैक्टर 12 और फैक्टर लास्ट में 13। तो 13 क्या होते हैं बेटा, क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं क्लोटिंग फैक्टर, कितने होते हैं, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4,
फैक्टर 5, फैक्टर 6, फैक्टर 7, फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 10, फैक्टर 11, फैक्टर 12, फैक्टर 13। तो क्या इनको ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही हम बोलते हैं? बताइए, क्या हम इनको फैक्टर 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 11, 13 क्या अपन इस तरह से बोलते हैं? हाँ या ना? इस तरह से तो नहीं बोलते हैं ना? हाँ या ना, बताओ इस तरह से बोलते हो? एक मिनट के लिए हो रही है थोड़ा सा, एक्चुअल में आप लोग जब क्लासेस बनती हैं तो उस टाइम से थोड़ा सा क्योंकि माहौल ठीक रहे उसलिए एग्जॉस्ट वगैरह बंद किए जाते हैं क्लासरूम में, तो उस वजह से दिक्कतें रहती हैं हम लोग। बेटा फैक्टर वन का जो नाम है वो फाइब्रिनोजन है। क्या है बेटा? फाइब्रिनोजन, याद रखने वाली बात है। क्या नाम है? फाइब्रिनोजन, ठीक है। चलिए दूसरा जो है वो क्या, उसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। क्या नाम है बेटा? प्रोथ्रोम्बिन। क्या नाम है? प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। और तीसरा जो है उसका नाम है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या नाम है बेटा? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। आ गई बात समझ में? और जो चौथा वाला है उसका नाम है बेटा कैल्शियम आयन। चौथे वाले क्या नाम है? कैल्शियम आयन। जो पांचवा है उसका नाम क्या है बेटा? लेबियल फैक्टर। क्या नाम है? लेबियल फैक्टर। आ गई बात में? जो छठवां फैक्टर होता है वो बेटा क्या होता है? एब्सेंट होता है। छठा फैक्टर क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये हो गया एब्सेंट। सेवन वाला जो फैक्टर होता है वो होता है मेरे प्यारे बच्चों स्टेबल फैक्टर। क्या होता है? स्टेबल फैक्टर। इसके बाद में आठवां वाला जो होता है वो होता है एंट हीमोफिलिक फैक्टर। आठवां कौन सा होगा? एंट हीमोफिलिक फैक्टर। आठवां जो फैक्टर होता है वो होता है एंट हीमोफिलिक फैक्टर। नौवां जो फैक्टर होता है वो कौन सा होता है? क्रिसमस फैक्टर। नौवां कौन सा होता है? क्रिसमस फैक्टर। जो दसवां फैक्टर होता है वो होता है स्टुअर्ट पावर फैक्टर। दसवें फैक्टर का नाम होता है स्टुअर्ट पावर फैक्टर। जो ग्यारहवां फैक्टर होता है वो क्या होता है? बिल्कुल इस तीसरे का उल्टा होता है। यहाँ पर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है तो इसमें क्या हो जाएगा? टिश्यू कर दो प्लाज्मा, तो नाम हो जाएगा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या हो जाता है बेटा? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। और जो 12वां फैक्टर है उसका नाम होता है बेटा हैगमैन फैक्टर। क्या नाम होता है? हैगमैन फैक्टर। और जो 13वां जो फैक्टर है वह है फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। तो फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर भी होते हैं। और इन सारे फैक्टर्स का देखो सीक्वेंस यही रहना चाहिए, मतलब ये वाला नीचे नहीं आना चाहिए, ये वाला इसके नीचे, ये वाला ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो 13 के 13 फैक्टर याद करने हैं। ट्रिक आपको आनी चाहिए, अगर ट्रिक आपको याद है तो 13 के 13 आपको याद हो जाएंगे जिस तरह से मेरे को याद है। अगर आपसे याद नहीं हुए तो कैसे याद करने हैं बताओ? चलिए तो बेटा सुनो, इसकी ट्रिक याद करना बहुत आसान है, बहुत 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 आसान। चलिए बेटा सुनो, ये क्या हुआ है? फर्स्ट फैक्टर फर्स्ट है, तो फर्स्ट कैसे लिखते हो आप? ऐसे लिखते हो FIRST फर्स्ट। इसका मतलब जिस जो पहला फैक्टर को किससे स्टार्ट होगा? F से स्टार्ट होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फिब्रिनोजन। समझ में आ गई बात? जो फैक्टर वन है वो इसको अपन वन का मतलब फर्स्ट बोलते हैं। फर्स्ट किससे स्टार्ट होगा? एफ से स्टार्ट होगा, इसलिए फैक्टर वन का नाम क्या होगा? फाइब्रिनोजन नाम होगा या फिब्रिनोजन इसका नाम होगा। फैक्टर टू की बात करें तो आप लोगों ने पता है कि आप कबड्डी खेलते हो, प्रो कबड्डी देखते हो, हाँ या ना? आप सब लोग प्रो कबड्डी देखते होंगे, हरियाणा वाले राजस्थान वाले तो बहुत देखते हो क्योंकि टीम यहाँ की राजस्थान हरियाणा और यूपी में बहुत कबड्डी खेली जाती है ना? तो प्रो कबड्डी में कितने पाले होते हैं? दो। तो दूसरे नंबर पे आएगा भाई, प्रो कबड्डी में कितने पाले होते हैं? दो पाले होते हैं, इसलिए जो दूसरे वाला फैक्टर उसका नाम कैसे स्टार्ट होगा? प्रो से स्टार्ट होगा, इसलिए फैक्टर टू का नाम क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन होगा। तो एफ से फर्स्ट, सेकंड क्या रखना है? प्रो कबड्डी। तो प्रो कबड्डी में दो पाले होते हैं इसलिए इसका क्या नाम रखा? दो, फैक्टर टू का नाम क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन नाम होगा। तीसरे की बात करें, तीसरे को क्या बोलते हैं? थ्री भाई, थर्ड बोलते हैं। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका नाम क्या होगा? थर्ड होगा कि नहीं होगा? बस तीसरे फैक्टर में थर्ड फैक्टर बोलता हूँ, इसका मतलब ये जो इसका नाम होगा वो टी से ही स्टार्ट होगा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसका नाम क्या हो गया? टी से टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्योंकि फैक्टर कौन सा है? थर्ड है। इतना आप लोग समझ आ गया है ना बेटा? ये क्या है? चार
फैक्टर कौन सा, चार। तो चार कैसे लिख सकते हो इंग्लिश में, सी एच ए आर। इसका मतलब जो चौथा क्लोटिंग फैक्टर होगा वो सी से स्टार्ट होगा और उसका नाम क्या होगा, कैल्शियम आयन। क्या नाम होगा, कैल्शियम आयन। अब देखो चार तो याद हो गए, मैं चारों को रिकॉल करवा देता हूँ आप सबको। देखो फैक्टर वन मतलब फैक्टर फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब एफ से स्टार्ट होगा और एफ का मतलब क्या होगा, फाइब्रिनोजन। फैक्टर टू, टू का मतलब कि प्रो कबड्डी में कितने होते हैं, दो पाले होते हैं, मतलब दूसरा जो फैक्टर होगा प्रो से स्टार्ट होगा मतलब प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा जो फैक्टर है वो क्या है, थर्ड से, थर्ड जो फैक्टर टी से स्टार्ट है थर्ड, तो इसका नाम भी टी से होगा, तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। फैक्टर चार, चार इंग्लिश में कैसे लिखे होंगे, सी एच ए आर, मतलब जो चौथा फैक्टर होगा वो सी से स्टार्ट होगा मतलब कैल्शियम आयन। पांचवा कैसे याद रखना है, आपको याद रखना है पांचवा जो फैक्टर है वो कहाँ चला गया, लाइब्रेरी चला गया। कहाँ चला गया, लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी से तुम जानते ही हो है ना, मतलब स्टार्ट होगा एल से, मतलब ये जो फैक्टर होगा कौन सा होगा, लेबियल फैक्टर होगा, लेबियल फैक्टर होगा पांचवा फैक्टर। अब बात करते हैं फैक्टर सिक्स, बेटा इसका पता नहीं लगा है, इसका नाम कुछ भी नहीं है, इसको कौन सा नाम दे दिया, एब्सेंट। ये फैक्टर कौन सा, एब्सेंट है। उसके बाद है फैक्टर सेवन, आप सेवन इस तरह से लिखते हो एस ई वी ई एन, मतलब सेवन फैक्टर का नाम भी किससे स्टार्ट होगा, एस से होगा, मतलब इसका क्या होगा, स्टेबल फैक्टर हो गया। ये कौन सा फैक्टर हो गया, स्टेबल फैक्टर। बात कर लेते हैं आगे फैक्टर एट की, एट फैक्टर का मतलब देखो, आपने चीटा देखा है कभी, ऐसा चीटा होता है, चीटे के एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एंटी चीटा, चीटे के पैर कितने होते हैं, आठ, तो आठवें नंबर का जो होगा वो एंट से स्टार्ट होगा। चीटा जो होता है क्या होता है, उसके आठ पैर होते हैं, ऑर्थोपोडा का फैमिली का मेंबर है, तो आठ जो है इसके क्या है, पैर हैं, आठ पैर होने के कारण इसका नाम क्या होगा, आठवें नंबर का जो फैक्टर होगा उसका क्या नाम होगा, एंट से नाम होगा, तो उसका नाम क्या होगा, एंट हीमोफिलिक फैक्टर। बेटा ये वही फैक्टर है कि फैक्टर अगर आठ एबसेंट होगा, अगर ये एबसेंट होता है तो आपका ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाता, क्योंकि सारों का प्रेजेंट होना जरूरी है। जब ब्लड क्लोटिंग होती है तो ये सारे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर ये एब्सेंट है तो रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा, इनमें से कोई भी एब्सेंट होता है तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता, लेकिन अगर ये एब्सेंट है तो क्या हो जाता है, हीमोफीलिया डिजीज हो जाती है और जो पेशेंट होता है उसका ब्लड का क्लोट नहीं होता है, मतलब रक्त स्राव बहता रहता है, ब्लड हमेशा बहता रहता है। नवा जो फैक्टर है वो याद कर लो कि क्रिसमस मनाने गया, ये विदेशी एक नवा जो फैक्टर है वो विदेशी याद कर लो कि क्रिसमस मनाने गया, ऐसे याद कर लो, ठीक है। उसके बाद दसवां फैक्टर, बेटा दसवां फैक्टर तो अपने भगवान से रिलेटेड है कि जो सचिन तेंदुलकर है क्रिकेट के जो भगवान है, उनकी जर्सी का नंबर 10 क्या है, 10। तो सचिन को आपने देखा वो स्ट्रेट शॉट खेलते थे और पावर के साथ फोड़ जाता था, तो दसवें नंबर का जो है वो कौन है, सचिन है, और शॉट कैसे खेल रहा है, स्टुअर्ट पावर। इसलिए दसवें फैक्टर का नाम क्या होगा, स्टुअर्ट पावर फैक्टर। स्ट्रेट शॉट खेलते हैं पावर के साथ में, कौन, 10 नंबर की जर्सी पहनने वाले, सचिन तेंदुलकर, इसलिए इसका नाम क्या होगा, स्टुअर्ट पावर फैक्टर। समझ में आ रहा है आप लोगों को, बिल्कुल एकदम ट्रिक के साथ में, कोई इंग्लिश की जरूरत नहीं है, और यहीं से क्या आएगा, आपका रिजल्ट आएगा। चलिए अब जो 11 फैक्टर, बेटा कुछ नहीं है, जो 11th फैक्टर है वो तीसरे का जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब 12वें फैक्टर की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, 12वें, यहाँ तुम याद रख लो, सचिन का स्ट्रेट पावर शॉट, ऐसा ट्रिक याद रख लो, सचिन का स्ट्रेट पावर शॉट, तो इससे तुम्हें याद रहेगा कि क्या ट्रिक मैंने बताई थी, ठीक है। चलो और ये कैसा है, ये थर्ड का उल्टा है, थर्ड का उल्टा मतलब वहां पर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है तो ये प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन है। इसके अलावा 12th के देखो, आप 12 कैसे लिखते हो, ऐसे लिख रहे हो 12, आपको करना क्या है, सिंपल इसमें एक डंडा और खींच देना है, तो ये क्या बन जाएगा, 12H बन जाएगा, मतलब जो 12 वाला फैक्टर है वो किससे स्टार्ट होगा, एच से स्टार्ट होगा, और उसका नाम क्या हो जाएगा, हैगमैन फैक्टर। 12th फैक्टर जो होगा, 12th ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, 12 है, 10 के बाद दो डंडे हैं, दोनों डंडों के बीच में आप ये कट लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, एच, और एच का मतलब क्या हो जाएगा, हैगमैन फैक्टर। 13वां जो फैक्टर है उसका नाम आपको याद रखना है, उसका नाम है फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। क्या नाम है, फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। और ये था आप लोग का ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स 13 के 13, कैसे याद रखना है इसके बारे में आपको पता करना है। वापस से मैं आप लोगों को रिकॉल करवा देता हूँ बेटा,
ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 13 होते हैं, 1, 2, 3 से लेकर 13 तक मैंने गिनती बना दी है। फैक्टर 1 की बात करेंगे मतलब फर्स्ट फैक्टर जो होगा, फर्स्ट का मतलब ये एफ से स्टार्ट होगा, तो एफ से स्टार्ट होगा तो इसका नाम होगा फाइब्रिनोजन। फैक्टर 2 का मतलब ये होता है कि प्रो कबड्डी में दो पाले होते हैं, दो का मतलब दूसरे नंबर का जो होगा उसका नाम प्रो से स्टार्ट होगा और दूसरे क्लोटिंग फैक्टर का नाम होगा प्रोथ्रोमे। तीसरा जो होगा थर्ड, थर्ड से टी और टी का टी से इसका नाम स्टार्ट होगा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। जो फैक्टर 4 है, 4 को आप इंग्लिश में लिखो CHR, मतलब ये सी से स्टार्ट होगा, मतलब कैल्शियम आयन। फिर याद रखना है कि पांचवा फैक्टर कहाँ चला गया, लाइब्रेरी मतलब लेबियल फैक्टर। छठा फैक्टर पता ही नहीं है तो एब्सेंट है। 7 है तो 7 के नाम में आता है एस, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, स्टेबल फैक्टर। आठवें फैक्टर की अगर बात करेंगे तो चींटे में मेरे प्यारे बच्चों 8 पैर होते हैं। कितना होते हैं, 8 पैर, मतलब जो फैक्टर 8 होगा वो चींटे से रिलेटेड है, मतलब आंट से रिलेटेड है, तो नाम क्या हो जाएगा, ANTHEMOPHILIC, एंट हीमोफिलिक फैक्टर। फिर बात कर लेते हैं जो नवा फैक्टर है वो विदेशी है, और वो कहाँ चला गया है, क्रिसमस मनाने चला गया है, और इसका नाम क्या होगा, क्रिसमस फैक्टर। उसके बाद मैं बात करूंगा आपका फैक्टर 10, ये सचिन का स्ट्रेट पावर शूट से रिलेटेड है। सचिन की जर्सी का नंबर है 10 और सचिन कैसा खेल रहा है, स्ट्रेट और पावर के साथ शॉट खेल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, स्ट्रेट पावर फैक्टर 10वें नंबर का। जो 11th वाला है वो थर्ड का जस्ट रिवर्स होगा, ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन तो कौन सा हो जाएगा, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर 12वां जो फैक्टर है, हमने कहा था कि 12वें के जो 10 के बाद जो डंडे लगाते हो इसके बाद में बीच में क्रॉस कर दो तो ये दोनों क्या बन जाएगा, एच बन जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, हैगमैन फैक्टर। और जो 13वां जो फैक्टर है उसको आपको याद रखना है, फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। ये बिल्कुल फर्स्ट का ही अपोजिट है, ये भी एफ से स्टार्ट होता है, ये भी एफ से स्टार्ट होता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। क्या नाम हो जाएगा, फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर, मतलब 13 के 13 फैक्टर के जो नाम होंगे वो। आगे ब्लड कोएगुलेशन का मेकानिज्म पढ़ेंगे कि ब्लड कोएगुलेशन कैसे होता है। और मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए मैं इतना ही वीडियो आपको अपलोड करूंगा, आप इनको याद भी करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। और चाहे कोई सा भी कोर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी बात मैं कर लेता हूँ आप सभी के लिए मेरे प्यारे बच्चों कि कल से ऑनलाइन कोर्स DMLT DRT ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच स्टार्ट फ्रॉम 3rd May। 3rd May से 3 मई से कल से आप लोगों का DMLT DRT का ऑनलाइन बैच रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉम हेलिक्स। फिर इसके बाद करते हैं 8 मई बाकी बचे हुए कोर्सेज, 8 मई को हम लोग लॉन्च करने वाले हैं बाकी सभी कोर्सेज के लिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच। डिप्लोमा NECG के ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट है, लेकिन कोविड की अनुपालना में लिमिटेड सीट्स ओनली, ऑनलाइन भी लिमिटेड रखी है हमने ताकि रिजल्ट को हम लोग फोकस कर सकें, रिजल्ट को बांध सकें और रिजल्ट बना सकें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ और फिर से मिलेंगे नए जोश के साथ, तब तक के लिए अलविदा।